के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक समंदर के बीचों बीच है। आपने जहां नजर डाली वहां पानी ही पानी है। आपके पैर जमीन को छू नहीं सकते और आपकी सतह हमेशा हिलती डुलती रहती है। अब यही दृश्य को रात के समय में महसूस कीजिए। आप ऐसी जगह फंस गए यहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास ना भूख मिटाने के लिए खाना है, ना ही वापसी की कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि ये आपकी कल्पना है। मगर ये कल्पना जो महज एक रात की थी और सोचकर ही डर का एहसास हो चुका था, ऐसी घटना असलियत में हो चुकी है, और वो भी एक रात के लिए नहीं बल्कि 438 रातों के लिए। आज द मिस्टिकल लैंड पर हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने 438 रातें गहरे समंदर में काटी और फिर भी जिंदा रहा। उसने कैसे किया और कैसे वापस आया, आइए देखते हैं इनका सफर। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है मौत के मुंह से वापस लोग सिर्फ फिल्मों में ही आते हैं, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, तो शायद आप जो सल्वाडोर अल्वा रेंगा से नहीं मिले और ना ही आपने इनकी कहानी सुनी है, जिसको सुनकर आपको मौत को छूकर टक से वापस आने वाला किरदार सच लगने लगेगा। जो सल्वाडोर पीछे से एक मछुआरा है, मछलियां पकड़ना उसका धंधा था, जिससे उसका समंदर में आना जाना लगा रहता था। जोस अपने काम में माहिर था और अपने इलाके का जाना माना मछुआरा था। उसको समंदर की लहरों से खेलना अच्छे से आता था। अब तारीख आती है 17 नवंबर 2012। हर बार की तरह इस बार भी जोश ने गहरे समंदर में जाकर मछलियां पकड़ने का इंतजाम कर लिया था। वो अपनी नाव तैयार कर रहा था, जरूरत के सारे उपकरण उसने रख लिए थे, और इस बार जोश का एक साथी भी उसके साथ जा रहा था जिसको मछलियां पकड़ने की कला नहीं आती थी। और जोश जितना वो समंदर को समझता भी नहीं था, बल्कि वो जोश से भी इन सब की ट्रेनिंग ले रहा था। जोश मैक्सिको के एक छोटे से गांव का रहने वाला था जिसमें वो अपनी बेटी के साथ रहता था। सबको अलविदा कहने के बाद वो अपनी साथी के साथ नाव पर पहुंच गया। जोश का यह सफर एक दिन का था। उसका प्लान था कि वो इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेल्फिश मछली को पकड़ेगा जिसकी मार्केट में उसे भारी कीमत मिल सकती है। सब कुछ उसकी योजना के हिसाब से चल रहा था। जोश अपने मछुआरे दोस्तों को भी अलविदा कहने गया और अपने सफर पर खुशी खुशी निकलने के लिए नाव में बैठ गया। मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण समंदर में भयंकर तूफान आने की आशंका थी। जोश ने अपने जीवन में बहुत से तूफान देखे थे। उसको खुद के हुनर पर इतना भरोसा था कि वह ऐसे छोटे मोटे तूफानों से अपना इरादा नहीं बदलने वाला था। हालांकि उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी और उसके दोस्तों ने भी उसे आगाह किया था कि आज समंदर में जाना खतरे से खाली नहीं है। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे समंदर में उतर गया और यही रिस्क फिर उसे भारी पड़ गया। ये भयंकर तूफान जोश को अपने साथ बहा ले गया। उसकी नाव उसके सारे एक्सपीरियंस और हुनर के आगे बदहाल हो चुकी थी। तूफान की बड़ी बड़ी लहरों की चपेट में जोश और उसका साथी इधर उधर गिर रहे थे और खुद को बचा रहे थे। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था, इस तूफान ने वो भी नष्ट कर दिया था। इस समय एक पल ऐसा भी आया कि बोट पलटने वाली थी, तभी जोश ने बोट का वजन कम करने के लिए उसमें से 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां फेंक दी जो कि आगे जाकर उसके भोजन का काम कर सकती थी। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि इस जगह उसे अभी लगभग एक साल काटना है। वो तो बस जल्द से जल्द तूफान से निकल कर घर जाना चाहता था। अब उसके पास ना तो खाने के लिए राशन था, ना रोशनी थी और ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़ती चली जा रही थी। जब तूफान थमा तो दोनों ने होश संभाला और उन्होंने किनारे तक जाने के लिए बोट शुरू की। मगर इनका इंजन भी खराब हो चुका था और वो दोनों दिशा भी भूल चुके थे। उनका किनारा किस तरफ है और तूफान उन्हें उड़ाकर इतनी दूर ले आया था कि वहां से तैर कर जाना भी नामुमकिन था। आसपास सिर्फ और सिर्फ नीला समंदर और नीला पानी ही दिख रहा था। कई दिनों की मशक्कत के बाद उन्होंने हालातों के आगे घुटने टेक दिए और किसी बाहरी सहायता का इंतजार करने में जुट गए। इस बीच वो भूख लगने पर अपने नंगे हाथों से मछलियां
कछुए और कई समुद्री जीव पकड़ते थे और उनका मांस कच्चा ही खा जाते थे। पीने के लिए उन्होंने बारिश के पानी का सहारा लिया। ऐसा करते हुए उनके एक लंबे इंतजार की घड़ी शुरू हो चुकी थी। दिन में तेज धूप, रात में उतनी ही ठंड, दोनों के बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसा करते करते किसी जहाज के इंतजार में उन्होंने एक या दो नहीं, चार महीने काट दिए। अब हालात दोनों के बस के बाहर हो चुके थे। एक नादान सी गलती की वजह से वो इस छोटी सी बोट के ऊपर आकर अटक गए, जहां से जाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। करीब चार महीने बाद साल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया। शायद हालातों ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था और भूखा प्यासा वो वहीं पड़ा रहता था, मगर खाना खाने के लिए बिल्कुल मना कर देता था। और देखते देखते अंततः भुखमरी से उसकी मौत हो गई। जोश के सामने एक जीवन ने दम तोड़ दिया था और अब वो पूरे वीरान समंदर के अंदर अकेला पड़ गया। और इतने महीनों बाद मौसम भी बदल गया, जिसकी वजह से उसके पास खाना तो था मगर पानी नहीं था, और समंदर का पानी वो पी नहीं सकता था। इस दौरान उसने अपने शरीर को चालू रखने के लिए कछुओं का खून पिया ताकि शरीर से लिक्विड की मात्रा कम न हो जाए। और इतना ही नहीं, जब उसके पास से विकल्प भी नहीं बचा तो उसने फिर अपना मूत्र तक पी लिया। साल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। जितने मौसम आए उसने सब झेले। कई बार उसको आत्महत्या करने का भी ख्याल आया, मगर ऐसे ख्याल को वो तुरंत टालकर अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता था। जरा आप सोचिए, आप क्या करेंगे ऐसे समय में, पूरे दिन जब आपके पास कुछ करने के लिए ही ना हो। एक छोटी सी नाव, सर के ऊपर कड़कती धूप, खारा पानी और जैसे तैसे अपने आप को जिंदा रखने की जिद, जिसमें आप ये भी नहीं जानते कि आपको कब तक ऐसा करना है और कितना और बर्दाश्त करना है। इसका अंत कब होगा, या कभी होगा या नहीं, क्योंकि साल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर था। ऐसे में कोई छोटी बोट का इधर आना नामुमकिन था, और बड़े जहाज तो बहुत कम चलते थे, और जितने भी चलते थे उनमें से कितने जोश के पास से होकर गुजरेंगे, ये भी एक लकी ड्रॉ के बराबर ही था। क्योंकि इस दौरान उसको कई जहाजों की आवाजें सुनाई दी। उसने शोर मचाया, उन्हें अपनी तरफ बुलाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो जहाजों की आवाजें दूर से और दूर होती गई। ऐसे में खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अलवा रेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वो खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। इस अकेलेपन में भी अलवा रेंगा ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी हिम्मत, जिद और दृढ़ निश्चय काम आ गया और अपने गांव से रवाना होने के ठीक 438 दिनों बाद, यानी 30 जनवरी 2014 को अलवा रेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। शायद जाने अनजाने में समुद्र के बहाव से उसकी नाव किनारे पर आ गई थी। अब जो उसके सामने था, ये मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। जैसे उसको नीले आसमान और नीले समंदर के अलावा दूसरा रंग दिखाई दिया। उसने आओ देखा न ताओ, तुरंत अपनी नाव छोड़कर तैरना शुरू कर दिया। हालांकि उसके शरीर में जान नहीं थी, मगर जितनी भी बची खुची हिम्मत थी उसने वो सारी उस हिस्से को पार करने में लगा दी और तैर कर किनारे पर आ गया। आखिरकार वो जमीन पर था। करीब एक साल बाद उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल नहीं रही थी, मगर जोश अब इतना मजबूत नहीं रहा था। जैसे वो किनारे पर पहुंचकर खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्द ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वह उसे अपने घर लेकर आ गए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अलवा रेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा अलवा रेंगा के टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे, लिहाजा उन्हें लगा कि साल्वाडोर अलवा रेंगा के साथ किसी ने मारपीट की है, जबकि सच कुछ और ही था। आगे अलवा रेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई बार की जांच की गई और हर जांच इस बात को सच साबित करती है कि अलवा रेंगा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सच था। अलवा रेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था और सबसे ज्यादा खुशी अलवा रेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की बेटी फातिमा अलवा रेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी और अब उसका बाप हालातों से लड़कर उसके पास वापस लौट आया था। दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौट कर आ गया। इसमें से हम आपको यही बताना चाहते हैं,
अगर आप कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो डटे रहिए, पता नहीं कब कौन सी छोटी सी लहर आपको आपके टापू तक पहुंचा दे। इसी विचार के साथ हम मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।